बैठ गए हैं, स्थान पे अपने स्थान ग्रहण कर लिया है। ये देखो इस तरह उठाना पड़ता है जी इसको रोज, ये बिल्कुल पागल बच्चा है हमारा। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। आज दिन है संडे का और संडे का आज व्लॉग मैंने शुरू किया है अर्ली मॉर्निंग, मतलब इतना जल्दी भी नहीं है, 7 या 7:15 का टाइम हो रहा है। मैं नहा धोली हूँ और अब मैं करूँगी पूजा, लेकिन उससे पहले मैंने अपना व्लॉग शुरू कर लिया है, नहीं तो फिर वही होगा कि लेट हो जाएगा। और आज मौसम भी अच्छा है, बहुत ज़्यादा गर्मी वाला नहीं है, गर्मी तो अब हो ही नहीं रही है क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है। पिछला एक हफ्ता बारिश बारिश में चला गया पूरा वीक। अंश भी सो रहा है और श्रेय के पापा चले गए हैं बाहर थोड़ी सी गार्डनिंग के लिए, क्योंकि कल मैं कुछ प्लांट लेके आई थी, मैंने ये तो लेते नहीं है तो मैं ही ले आऊँ। तो मैं और अंश गए थे कल नर्सरी, तो ज़्यादा कुछ तो मिला नहीं है क्योंकि जो मौसम है ना वो बारिश वाला है, तो उसमें ना प्लांट ख़राब हो रहे हैं। तो फ्लावर वाला तो कोई मिला नहीं है, जो भी मिला तो मैं लेके आई थी कुछ, और अभी उनको लगाने का प्रोसेस शुरू हो रहा है और ये बस लगाएंगे और मैं पूजा करूँगी और फिर आज मुझे जो है बाहर भी जाना है। आज तो मेरा काम हो ही जाएगा क्योंकि आज मौसम अच्छा है, सूरज हल्का हल्का सा दिख रहा है पर धूप नहीं है, ऐसा मौसम हो रहा है। तो इन्हें तो नीचे ही रख लेना, इस पर तो मिट्टी कर लियो ना, जो मिट्टी गिरेगी नीचे, प्लांट तो ये नीचे ही रख ले, इस पर तो ये रखा जिसकी मिट्टी निकालनी। तो इनको मैं बताती हूँ कैसे कैसे क्या लगाना है, नहीं तो ये कहीं पर कुछ भी कर देंगे। इनको मतलब समझाते हैं कि कहाँ क्या करना है, इतना आइडिया नहीं है ना कि मतलब मैं जो सोच के लाई हूँ कि कहाँ पे कौन सा लगाना है। ये तो खत्म है, ये तो निकाल लेना है ना, ये तो खाली करना, ये तो खाली होंगे दोनों। हाँ कौन सा वाला, एक ये तो टूट भी रहा है, बच जा गए ये वाला, देखो ये खराब है, ये हटेगा और ये भी खराब हो गया है, ये भी हटेगा। और क्या, एक में ये लगेगा। हाँ और एक में वो लगेगा येलो वाला, येलो वाला तो धूप में लग जाएगा, इसको तो चाहे ऊपर रख दो, ये रखना ये वाला। अच्छा, एक ये, एक ये। हाँ ये छावे में लगना और ये बड़े वाला, ये बड़े वाला है, ये इस वाले में लगना, इसका निकाल के ये दो ऊपर। और ये देखो जी, ये है सदाबहार की वैरायटी, नहीं ये मुझे अच्छा लगा, तो ये पूरा मैं प्लांट समिति आई तो इसमें कुछ लगाना नहीं, इसको तो उठा के पीछे रख देंगे ऐसे ही। ये यहाँ रख दे, दीवार पर भी अच्छा लगेगा, दीवार पर रख देना इसका, दीवार पर तो सिर्फ वही हो रही बस। देखो क्या इसे, देखो आओ आओ बाहर आओ, प्लांटिंग करेंगे। ये देखो इसका नया स्थान, ये कहीं पे भी विराजमान हो जाए, आजा बेटा बाहर आजा। तो ये बैठ गए हैं स्थान पे, अपने स्थान ग्रहण कर लिया है। सिरे मैं पूछ रही थी कि हमारे पाम खराब क्यों हो जाए, वो इतने रखे नर्सरी पे और बस एक डंडी सी पे ये जा रहे इतने, चल अच्छा लग रहा ग्रीन ग्रीन। और देख ले नीचे क्या है, हमारे प्लांट में भी नहीं होते, पूरा निकलेगा जड़ होगी इसके नीचे तक। ये रखे हैं दो अपराजिता, इसमें एक वाइट है एक ब्लू है, हमारे तो ब्लू अपराजिता ना इतने थे पर अब पता नहीं क्यों खत्म हो गई, इस पे वाइट आएंगे और इस पे ब्लू आएंगे, ये दो अपराजिता भी तो हैं। एक वाइट वाला, ये वाला नीचे वाला, ऐसा भी हो देखो रहा वहां नहीं रहा फूल, वाइट उधर आ रहा, एक वाइट। बेटू ए बेटू बाहर क्यों नहीं जाता है, पापा और भाई पौधे लगा रहे, प्लांट लगा रहे हैं, ए गंदे बच्चे, गंदे बच्चे, ए गंदे, अच्छा बच्चा नहीं बनना है, बात तो सुन रहा है कान उठा के, चलो बाहर आओ बाहर घूमेंगे,
प्लांटिंग करेंगे थोड़ी सी। देखो देखो ना कितना फड़फड़ा रहा है, बोल रहा है कुछ कि नहीं जाना मुझे बाहर नहीं जाना, अंदर घुस जा तू तो ठीक है, अंदर घुस जा। भूख लग रही है, खाने को चाहिए, अभी दूंगी चलो उठ जा। देखो इसे देखो गंदे बच्चे को, सारे तो कर रहे प्लांटिंग पापा और श्रेय, मैं कर रही पूजा और ये उठता नहीं, और शुंबू गुस्सा हो रहा बहुत ज़्यादा, बाहर छोड़ू थी प्लांटिंग में नहीं गया, नहीं कराने कुछ भी। उठ जा बेटा, इतना टाइम हो रहा, ले लाइट चली गई, उठिए उठो उठो कल स्कूल जाना, कल कैसे उठ जाएगा स्कूल के लिए। उठिए बेटा उठिए उठिए उठिए, देखो इस तरह उठाना पड़ता है जी इसको रोज, ये बिल्कुल पागल बच्चा है हमारा, और श्रेय कभी नहीं उठाना पड़ता कभी भी। पीनट फ्राई हो रही है पोहे के लिए, पीनट पोहे का ज्यादा हो गया ना हमारे घर में, कुछ ज्यादा ही ट्रेंड सा चल रहा। पापा बुला रहे मुझे। रखा होगा कहीं ना। पोहा रेडी हो गया है, और आप भी बोलोगे कि क्या हर संडे आजकल पोहा ही बनने लगा, तो संडे आजकल पराठे भी नहीं बन रहे हैं, पोहा इतना मतलब ज़्यादा पसंद आ रहा है तो पोहा ही बन रहा है गर्मी में लाइट वेट। तो पोहा रेडी हो गया है टेस्टी वाला, अब फटाफट से मैं सर्व कर देती हूँ, और ये ना ईजी भी है, पराठे कितनी देर लगती है सबके लिए बनाने में, पोहा एक साथ बनाओ और सबको साथ साथ सर्व कर दो तो इसमें ज़्यादा ईजी रहता है। वैसे भी मुझे बाहर जाना है। हाँ जी निकल गए हैं आज तो काम के लिए, घर का सारा काम जल्दी जल्दी निपटा के कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, फिर फटाफट से तैयार होके निकल गए हैं, और टाइम हो गया था निकलते निकलते 10:30 का, क्योंकि फिर उसमें लग गए थोड़ा सा गार्डनिंग में, तो आराम आराम से ही सारा काम किया। कोई नहीं पूरा दिन है, गर्मी का दिन ना काफ़ी बड़ा होता है तो टाइम काफ़ी मिल जाता है, सर्दी में तो इतना सा दिन होता है सुबह हुई और शाम हुई पता ही नहीं लगता, पर हाँ इन दिनों अच्छा बड़ा दिन पड़ता है ना तो हो ही जाता है। मौसम अच्छा हो रहा है, ना गर्मी ना सर्दी, मतलब थोड़ी थोड़ी धूप, वही बादल वाला, कभी धूप कभी छाँव का मौसम है, अच्छा मौसम रहता है। और बस हम दोनों जा रहे हैं, बच्चे घर पे हैं, अंश ने तो शॉप खोल ली है हमारे साथ ही आके, क्योंकि आज संडे है और आज अंश का शॉप पे लास्ट डे है, कल से उसका स्कूल शुरू हो जाएगा, और श्रेय के भी हैं छुट्टियाँ, तो श्रेय का तो भी कॉलेज नहीं है। तो जी अब हम चलते हैं आराम से अपना काम देखते हैं, और घर की टेंशन नहीं रहती जब श्रेय घर पे होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, सारा कुछ हो जाता है आराम से, क्योंकि घर पे रैबिट्स भी हैं आपको पता ही है, और पापा तो उनकी भी चाय पानी, मतलब कुछ तो इतना कुछ श्रेय संभाल लेता है, कोई दिक्कत होती नहीं है। हाँ अगर मैं अकेली घर अकेला हो ना तो बहुत दिक्कत हो, अंश को तो खैर घर का नहीं आता है कुछ भी, पर श्रेय अच्छे से मैनेज कर लेता है सब कुछ, थोड़ा बहुत साफ सफाई का रह गया था तो श्रेय कर ही रहा है, वो कर लेता है, जैसे झाड़ू पोछा आपको पता ही है, झाड़ू पोछा तो मैंने कर लिया था बाहर धुलाई, जैसे गार्डनिंग वगैरह करी थी ना, तो बाकी मैं सब काम ख़त्म करके आराम से अब जाएंगे। और कॉटन का मैंने सूट पहन लिया है जो कि बहुत कम्फर्टेबल है, देखो चाहे बादल हो या मतलब धूप ना हो, पर फिर भी गर्मी के मौसम में ना गर्मी रहती है, गर्मी तो अच्छी खासी हो ही जाती है, अंदर नहीं लगती लेकिन बाहर निकलने के बाद गर्मी लगेगी, धूप भी लगेगी, भीड़ भाड़ वाला होता है जगह जगह, ऐसा नहीं है कि एक ही काम है गए और करके आ गए,
ढेर सारे काम होते हैं, ढेर जगह जाना पड़ता है काफ़ी सारी। तो देखते हैं कैसे आज जो है कुछ काम बनता है नहीं बनता है। चलिए जी चलते हैं और देखती हूँ कितना कुछ आपके साथ शेयर कर पाती हूँ। ज़्यादा कुछ होता नहीं है जब काम में लग जाते हैं ना, तो ऐसा कुछ शेयर होता नहीं है। सीएनजी डलवाने के लिए, क्योंकि पहले तो पेट्रोल डलता था, डीजल डलता था गाड़ी में, अब सीएनजी डलती है। तो बस रुके थे और ये बोलते हैं कि इनका नियम होता है, ये गाड़ी से उतारते हैं सबको जब सीएनजी डालते हैं, मतलब पेट्रोल में डीजल में तो ऐसा नहीं होता। तो अब चलते हैं। मौसम देखिए, बढ़िया मौसम है, मतलब धूप नहीं हो रही है, कभी कभी होती है थोड़ी बहुत। जल्दी मतलब कम टाइम आ जाएगी ना? कम टाइम नहीं, और अगला यही प्रेशर कम होता अच्छा तो कम आती गैस। चलो जी, मतलब इसकी कुछ जानकारी है नहीं, पर जो है अच्छा है, जब अच्छा है तो अच्छा है। जिस बात का कुछ पता ही नहीं है उसकी हाँ हाँ कर दो। जानकारी तो कुछ है नहीं। कावड़ शुरू हो रखी हैं और जगह जगह पे ना कैंप तैयार हो रहे हैं, शिविर तैयार हो रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है इन दिनों में, हरिद्वार में बहुत अच्छा लगता है। और 9 तारीख से, आज है 2 तारीख, 9 से सब कुछ बंद हो जाएगा, हाईवे पूरा जाम हो जाएगा, मतलब कावड़ के लिए छोड़ दिया जाएगा। अभी तैयारी चल रही है और मैं इनको बोली कि तैयारी लेट कर दी, क्योंकि कावड़ ये चल रहे हैं ना, पर अभी बहुत कम कम चल रहे हैं, अब धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे। तो तब तक शिविर पूरे तैयार हो जाएंगे और उनका जो मतलब खाने पीने का बंदोबस्त, अलग कावड़ रखने का, क्योंकि कावड़ नीचे नहीं रखी जाती है, मतलब पूरी तरह से उनके स्टैंड, बहुत कुछ तैयारी करनी पड़ती है, वॉशरूम और रेस्ट के लिए भी मतलब अलग से पूरा बंद कवर करके बनाते हैं, खाने का अलग से ओपन वाला बनाते हैं, मतलब बहुत सारा। दिखाऊंगी, पीछे बहुत गया, आधे टाइम दिखाऊंगी मैंने वो, वहाँ पे मैंने नहीं रिकॉर्ड करा। सफाई पूरी कर दी, लाइटों का पूरा बंदोबस्त, हर जगह लाइट हर जगह, मतलब थोड़ी थोड़ी पूरी रात जो चलेंगे, ये तो मुझे लग रहा है 10-10 गज पे भी होंगी लाइट। खाने पीने के हैं और मतलब जिन्हें बैठ के रेस्ट भी कर लो, खा पी लो। और ये देखिए, ये जैसे है ना वाइट वाला, इसको पूरा कवर करते हैं चारों तरफ से, तो इस तरह के ना पीछे बहुत बनाए गए हैं। और ये मेन रोड है ना, ये कावड़ यू की, यहाँ से आते हैं ना वो, हाँ मेन हाईवे है जहाँ से कावड़ ज़्यादा चलती है, मतलब कावड़ ये ज़्यादा चलते हैं। पूरा दिन घूमना फिरना, काम लगभग हो गया सारा, जितना हमें करना था, जहाँ जहाँ जाना था सारा हो गया है। पर शाम का टाइम हो गया, एकदम शाम हो गई है, 7 बजने वाले हैं, इतना टाइम हो रहा है। सुबह से निकले हुए और अब शाम को जाके हम घर के लिए चले हैं, अब घर के लिए चल दिए हैं। अब आप देख लीजिए, पूरा दिन हो गया है घूमते फिरते चलते, मतलब ना बस थकान इतनी हो रही है, अभी नींद आ रही है मुझे तो। और जाके तो फिर वही है, खाने दाने का भी देखना है बीच में, बस आज जो है खाना पीना भी हमारा ही रहा, कभी कोल्ड ड्रिंक चाय बस यही होता रहा, और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ही खाया। तो पूरा दिन कैसे निकल गया ना, पर यह है एक दिन में काम इतना करना मुमकिन नहीं होता, पर मुमकिन हो गया, बहुत सारा काम था, सारा कुछ हो गया। अब चलते हैं। भाई जी, फर्स्ट डे ऑफ जुलाई, जून की छुट्टियों के बाद चलते हैं स्कूल, और 1 हफ्ते बाद कावड़ की छुट्टियां भी हैं। एक पीके ले जाना।
शॉप से आ गई हूँ। दोपहर का टाइम है, मतलब दोपहर ही हो रही है, 3 बज रहे हैं दोपहर के। और ज़्यादा मैंने सुबह व्लॉग नहीं किया, बस एक क्लिप हंस के जाने की करी थी। उसका आज फर्स्ट डे था स्कूल का, तो वो स्कूल गया था, फिर मुझे तो शॉप पे जल्दी जाना था, तो इसलिए मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। और वैसे भी ये जो व्लॉग है कल का ही है। देर हो गई थी रात, कुछ ग्रोसरी का भी था काम, और आते आते ही लेट हो गया था। तो बस अब मैं ग्रोसरी थोड़ी सी सुबह ऐसे ही छोड़ गई थी मैंने, चलिए उठा रही थी, तो मैंने चलिए आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या लिया था। ज़्यादा कुछ ग्रोसरी है नहीं, जो ख़त्म था मतलब वही है, तो बस कुछ सामान है, चलिए दिखाती हूँ। फिर मैं इसको रख दूँगी क्योंकि फिर मेरा शॉप पर जाने का टाइम हो जाएगा। और कल बाहर थी तो आपको पता ही है कि नेक्स्ट डे कितना काम होता है, कल कुछ काम हुआ नहीं है। और फिर मेरा तो शॉप का है, तो वहाँ पर भी बहुत उथल पथल मच जाती है जब मैं बाहर जाती हूँ और मेरा नया कलेक्शन आता है ना, तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है। थकान मुझे अभी हो रही है और अभी रात तक है, पर चलिए कोई बात नहीं है, ग्रोसरी तो उठानी है, ऐसे थोड़ी ना रखी रहेगी। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। मैंने ज़्यादा वो नहीं करा, निकालना नहीं है, ऐसे ही बैग में रखी है, जो कैरी बैग है ना तो इन्हीं में रखी है, ऐसे निकाल के। ये है मुरमुरे जिसकी भेलपूरी बनती है, ये पूरा पैकेट, इनको अच्छा लगता है। और यहाँ पे है, बस इसी में दिखाऊंगी, यहाँ पे है मखाने, गरम मसाला का पैक है पूरा, गरम मसाला ख़त्म हो गया था तो जो सामान ख़त्म था ना वही लेके आए हैं। और सॉल्ट है, ये जो चीनी है ये तो मिली है, शायद उस पर फ्री था, कुछ ऑफर था। यहाँ पे है ये एक बिड़ का बड़ा पैक, ये भी मैं निकाल नहीं रही हूँ, जो मैटिक आता है ना उसका बिड़ का भी है, वो दिखाती हूँ अभी। तो ये इसका है, इसमें तो यही सामान है, ज़्यादा नहीं है। इसमें दूसरे बैग में देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें बिस्किट है, कुछ एक दो दाल है, और ये देखिए क्या लेके आई है, सिवैयाँ, ये सिवैयाँ, ये देखिए क्या लेके आई हैं, ये सिवैयाँ हैं, ये लेके आए हैं, क्या बनाना अच्छी लगती है। मैंने चलो धूप बत्ती है, बिस्किट हैं, और जो है पूजा का सामान है, कुछ रोली, ये है रोली, और कुछ दाल। तो मतलब इस तरीके का जो सामान ख़त्म था, मतलब इस तरीके का सामान है जो ख़त्म था वही है, धूप बत्ती, ज़्यादा कुछ है नहीं, ताले वाले नहीं थी। तो दो बैग तो हमारे ये रखे हैं यहाँ पे, और कुछ सामान इधर है। ये है बर्तन वाला जेल, विम जेल, ये है जैम, डव का है शैम्पू, बड़ा पैक है जो बड़े वाला आता है। ये फिर है सर्फ एक्सल मैटिक, और ये इधर हार्पिक। तो ये ज़रूरी से कुछ सामान है जो कि आए हैं, पूरी फुल ग्रोसरी तो नहीं आई है। तो बस मैंने चलिए इनको मैं रखने जा रही थी। तो जी यही है हमारी ग्रोसरी, ज़्यादा फैलाई नहीं है, उठा के रखती हूँ। तो जी आज के व्लॉग में आपको कुछ भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको अच्छा लगता है, किस तरह के मेरे रूटीन आपको अच्छे लगते हैं, क्या आप देखना चाहते हैं। कोशिश करूँगी आपके लिए वो सब करने की, वो सब ले कर आने की जो कि आप चाहते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये तो आप बताते ही हैं कि ये व्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, घर वाले व्लॉग हैं जो मायके के बहुत अच्छे लगे। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, और सपोर्ट तो आप ही को करना है। आगे मुझे लेके जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाएंगे, नहीं तो फिर वहाँ की वहीं मैं हूँ ही, काफ़ी टाइम से वो आप देख ही रहे हो। चलिए खैर कोई बात नहीं है, इस पर बात हम बाद में करेंगे, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ मैं आपसे बहुत बहुत जल्दी आने वाले नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।